हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रोम R3। आने वाले टाइम में इंडियन सड़कों पे इलेक्ट्रिक कार स्ट्रोम R3 दौड़ती हुई नजर आएगी। बता दें कि हाल ही में मुंबई आधारित स्टार्टअप कंपनी स्ट्रोम मोटर ने अपनी एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार स्ट्रोम R3 की बुकिंग को स्टार्ट कर दिया है। कंपनी से वर्ल्ड की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बता रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से तंग आ चुके लोग इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं। कंपनी ने स्ट्रोम R3 इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग अमाउंट 10,000 रुपए रखी है। कंपनी के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग इस साल करने पे इसकी डिलीवरी 2022 से स्टार्ट कर दी जाए। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि बुकिंग स्टार्ट होने के 4 दिन के अंदर ही कंपनी ने 7.5 करोड़ रुपए करीबन 165 यूनिट की बुकिंग हासिल कर ली थी और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्ट्रोम मोटर्स ने साल 2018 में अपनी इलेक्ट्रिक कार स्ट्रोम R3 को पेश किया। स्ट्रोम R3 3 व्हील्स और 2 डोर वाली इलेक्ट्रिक कार है। इस कार के फ्रंट में 2 व्हील्स है और रियर में 1 व्हील्स है। इसमें रिवर्स ट्राइक कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया गया है। यह इलेक्ट्रिक कार मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरी इलाकों के लिए खास तौर पर डिजाइन और विकसित की गई है। कार में शार्प डिजाइन दी गई है, जिसमें मस्कुलर फ्रंट बम्पर है, LED लाइट्स है, रियर स्वेपेबल है, सनरूफ है, एक व्हाइट रूफ के साथ डुअल टोन रंग भी मिलता है। इस कार में लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, जो 20 BHP का पावर और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस कार में आपको 3 ड्राइविंग मोड भी मिलता है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक कार का टॉप स्पीड 80 km/h है। कार की बैटरी को फुल चार्ज होने में 3 घंटे का समय लगता है। साथ ही कंपनी का यह भी दावा है कि यह एंट्री लेवल कार एक बार फुल चार्ज होने पे 200 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर कर लेती है। कार को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। वेरिएंट के हिसाब से इसका किलोमीटर भी रहने वाला है। जो बेस वेरिएंट, जो स्टार्टिंग वेरिएंट होगा, उसमें 120 किलोमीटर का ये रेंज कवर करेगा। जो सेकेंड वेरिएंट है वो 160 किलोमीटर तक का डिस्टेंस को कवर करेगा और जो थर्ड वेरिएंट होगा वो 200 किलोमीटर तक के ड्राइविंग रेंज को देने वाला है। इस कार को चार्ज करने का खर्च महज 40 पैसे प्रति किलोमीटर है। कंपनी के मुताबिक इस कार को चलाने वाले 3 साल में 3 लाख रुपए की बचत कर सके। इस कार के ड्राइविंग सीट को आप 12 तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही इसमें आपको 4.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट कीलेस जैसे फीचर से लेस है ये कार। साथ ही इस कार में IoT इनबिल्ट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है और इसमें आपको 4G कनेक्टिविटी, वॉइस कंट्रोल, गेस्चर कंट्रोल, 20 GB ऑनबोर्ड म्यूजिक स्टोरेज और 10x10 नेविगेशन के साथ 7 इंच का वर्टिकल टच स्क्रीन इन्फॉर्मेशन सिस्टम दिया गया। स्ट्रोम R3 इलेक्ट्रिक कार में 2 लोगों की बैठने की जगह इसे 2 कैप्टन सीट या 3 लोगों के लिए एक सिंगल बेस सीट के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। यह एक छोटी इलेक्ट्रिक कार है जिसकी लेंथ 2907 mm है, विथ 1405 mm है और हाइट 1572 mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm है। वहीं इसके वेट की बात करें तो 550 kg का वेट है। इसमें जो टायर का साइज है वो 155x80 का है और 13 इंच का स्टील का व्हील मिल जाता है। इसमें 400 लीटर का लगेज स्पेस मिल जाता है। फ्रंट में 300 लीटर और जो बैक है उसमें 100 लीटर का सामान रखने की जगह मिल जाती है। इस कार के फ्रंट में 2 हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। साथ ही कंपनी इस कार में 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। स्ट्रोम R3 कार को 3 वेरिएंट में पेश किया जाएगा। कंपनी अभी इसकी बुकिंग सिर्फ दिल्ली और मुंबई के शहरों से ले रही है और कंपनी का कहना है कि वो बहुत जल्दी दूसरे शहरों में भी इसकी बुकिंग को स्टार्ट करने वाली है। इस कार में आपको 4 कलर ऑप्शन मिल जाता है, एक इलेक्ट्रिक ब्लू, एक न्यून ब्लू, एक रेड और एक ब्लैक। तो ये 4 कलर ऑप्शन के साथ ये कार पेश। तो दोस्तों, ये थे इस कार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऐसे ही बाइक रिलेटेड या कार रिलेटेड न्यूज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है राइड विद बाइक रजत। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पे ही कोई भी अपडेट होता है उसको मैं अपडेट वहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डालने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।